एगो किसान का खिस्सा। एक दिन यीशु झील के किनारा की नजदीक रहले। उ लोगन के एगो बहुते बड़ियार भीड़ के शिक्षा देत रहले। उ सुने खातिर इतना लोग अइले कि यीशु के पास उन सब लोगन से बात करे का जगह ना बचल। यही से उ पानी में खड़ा नाय पर चढ़ गइलन। उहवा उ बैठ गइलन औरी लोगन के शिक्षा दिहले। यीशु उ लोगन के ई खिस्सा बतौले कि एगो किसान बीज बोवे खातिर बाहर निकलले। जब उ हाथ से बीज के छीटत रहले त कुछ बीज रास्ता में गिर गइल, लेकिन पक्षी आके उ सब बीजन के खा गइली। दूसर बीज पथरीली जमीन पर गिरल, जहाँ की बहुत कम माटी रहे। पथरीली जमीन पर गिरल बीज बहुत जल्दी से जामल, लेकिन ओकर जड़ जमीन की गहराई में ना जइला से जब सूरज निकलल औरी गर्मी भइल त उ पौधा मुरझा गइल औरी खत्म हो गइल। तब पर भी बीज झाड़ियन के बीच में गिरल। उ बीज बढ़ल शुरू भइल, लेकिन काटा ओके दबा दिहलस। एही से कांटादार जमीन पर गिरल बीजन में से निकल पौधा में से कौनो भी अनाज के ना दिहलस। दूसर बीज अच्छा जमीन पर गिरल। उ बीज बढ़ल औरी जितना बीज बोवल गइल रहे ओमे से 30-60 औरी इहा तकले कि 100 गुना अनाज भइल। जे केहू भी परमेश्वर के पीछे चलल चाहत बा उ ओ बात ध्यान दे जेवन हम कहत बानी। ई खिस्सा चेला लोगन के उलझन में डाल दिहलस। एही से यीशु व्याख्यान कैलन कि उ बीज परमेश्वर का वचन बा। उ रास्ता एगो ऐसन आदमी बा जेवन परमेश्वर के वचन के सुनता, लेकिन उ समझत नइखे। तब शैतान उनकरी पास से वचन के चुरा ले जात बा, यानी शैतान ओके वचन के समझला से दूर रख देत बा। उ पथरीली जमीन ऐसन आदमी बा जे परमेश्वर के वचन के सुनत बा औरी खुशी के साथ ओके स्वीकार लेला, लेकिन मुश्किल समय आवेला त या जब दूसर केहू उनके सतावेला त उ परमेश्वर से दूर हो जाने, यानी उ परमेश्वर पर भरोसा रखल छोड़ देला। उ काटादार जमीन ऐसन आदमी बा जे परमेश्वर के वचन के सुनेला, लेकिन उ बहुत सगरी बात के बारे में चिंता कइल शुरू कर देले औरी उ बहुते धन कमैला की कोशिश करेले औरी उ बहुते चीज के पावे का प्रयास करेले। उस समय की बाद अब उ परमेश्वर के प्रेम कैला में सक्षम ना रहेले। यही से जे उ परमेश्वर की वचन से सिखले रहे उ उनके परमेश्वर के प्रसन्न करे में सक्षम ना रहेला। उ गेहूं के ठंठा के जैसन बा जेवन की कुछ अनाज ना होला। लेकिन अच्छा जमीन उ आदमी बा जे परमेश्वर के वचन के सुनेला, ओ पर विश्वास करेला और फल लियावेला। मत्ती अध्याय 13:1-8, 18-23, मरकुस 4:1-8, 13-20, लूका 8:4-15 से एगो बाइबिल का खिस्सा।